दोस्तों आप लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल मिसलेनियस कैटेगरी के काफी सारे टीचर्स की वैकेंसी आई थी 2022 में, ठीक है, और उनके एग्जाम होने हैं। लेकिन एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो है कई विषयों के एग्जाम डेट आ चुकी है और कुछ ऐसे एग्जाम है जो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो कंप्लीट जानकारी इसमें मैं देने वाला हूँ कि कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं और कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए। इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसी थी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में देखिए वैकेंसी थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये वैकेंसी थी। इसके बाद टीजीटी की बात कर लेते तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनकी वैकेंसी थी। इसके बाद टीजीटी की ही लैंग्वेज के अंतर्गत देखें तो करीब यहाँ पर 15 लैंग्वेज की वैकेंसी थी, जिसमें से असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये वैकेंसी थी। इसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स होते हैं उनकी वैकेंसी थी, जिसमें से आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, इनकी वैकेंसी थी। तो अब बात कर लेते हैं किसकी एग्जाम डेट यहाँ पर लगी है, किसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में बताया गया कौन कौन से एग्जाम होने हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो एग्जाम की डेट लगी वो टीजीटी की लगी है 29 नवंबर को, और मिसलेनियस कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनकी लगी हुई 30 नवंबर को। वहीं पर स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए था, वहां पर टीजीटी की लगी 28 नवंबर को और मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की लगी 30 नवंबर को। साथ में जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई थी यानी जो वर्तमान में नवोदय विद्यालय में कार्यरत हैं उनके प्रमोशन के लिए जो एग्जाम होना, उसमें से पीजीटी की वैकेंसी है जो आई थी उसका एग्जाम डेट लगा 28 नवंबर को। तो केवल इतने ही एग्जाम यहां पर हो रहे हैं समय से। अगर टीजीटी की बात कर लेते हैं तो देखिए टीजीटी में स्पेशल वाला जो एग्जाम है 28 नवंबर को हो रहा है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम है वो 29 नवंबर को हो रहा है। मिसलेनियस क्लियर की बात कर लेते हैं दोनों एग्जाम जो है 30-30 तारीख को हो रही है, और ये तो पीजीटी आपका प्रमोशन वाला हो गया। तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत पीजीटी के लिए आवेदन किया था या प्रिंसिपल के लिए आवेदन किया था या अन्य जो कैटेगरी के टीचर से लैंग्वेज वाले उनके लिए आवेदन किया था, तो इसे समझ लीजिए कि जो इनकी एग्जाम डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। यहाँ पर देखो नीचे बताया भी गया है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-23 स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 22-23 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड प्रिंसिपल, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पीजीटी का और प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है जो उसका एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के जो एग्जाम होने थे ये पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पोस्टपोन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेंसीज एंड एग्जैक्ट डेट्स विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। तो साफ तौर पर पीजीटी के जो एग्जाम होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत और प्रिंसिपल के पोस्टपोन हो चुके हैं। तो जो भी एग्जाम डेट यहाँ पर लगी हुई है यहाँ पर देख लीजिए, जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी अपना करें और जो बहुत समय नहीं बचा हुआ है आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एनवीएस टीजीटी के कई सारे विषयों के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, साथ में पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी आईटी, इन सभी के टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल है। इसके साथ केवीएस हो गया, टीजीटी हो गया, आर्मी हो गया और यूपी के टीजीटी पीजीटी हो गया, ये सारे टेस्ट बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। तो एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब रही बात की जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं कब तक हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी इनकी है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑलरेडी इनकी एग्जाम डेट लगभग तय थी लेकिन कुछ कारणों से एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, जल्द ही इनका अनाउंसमेंट जो होगा। तो जो भी पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, जो प्रिंसिपल वाले अभ्यर्थी, वो अपनी तैयारी करते रहे, बहुत ज्यादा इसमें डिले नहीं होगा, जल्द ही एग्जाम डेट आपकी जारी होगी। बाकी टीजीटी का तो एग्जाम डेट लगा ही है, आपके सामने है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस टीजीटी वाले अभ्यर्थी समय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, उसी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। पीजीटी का थोड़ा सा अभी वक्त है तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज की मदद ले सकते हैं, अंतिम समय है बेहतरीन तैयारी करने का और सिलेक्शन लेने का। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो है अपडेट करता रहूंगा।
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।